Children, are we all excited to listen to a story? Today I am going to narrate one story in Hindi. Would you like to know the name of the story? Should I tell you? The name of the story is Kabutar or Shikari. So let's begin with the story. Bachcho, कहानी का नाम है कबूतर और शिकारी। एक गांव के बाहर एक नदी के किनारे बहुत बड़ा घना पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और इतने सारे कबूतरों को साथ में देखकर उसने खुश होकर सोचा, वाह, यहां तो अनेक कबूतर हैं। यहां जाल बिछाकर अन्न के दाने डालकर सबको एक साथ पकड़ लूंगा। दाने देखकर सभी कबूतर उसे चुगने के लिए पेड़ से नीचे उतर आए। पर ये क्या हुआ? वह सब तो जाल में फंस गए। तभी कबूतरों के राजा ने बोला, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से कुछ उपाय सोचता हूं। फिर थोड़ी देर के बाद कबूतरों के राजा ने बताया, क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ति से इस जाल को ही लेकर उड़ जाए। कबूतरों के राजा ने सभी कबूतरों का हौसला बढ़ाते हुए बोला, कोशिश करो, एक साथ उड़ने की कोशिश करो। कबूतरों ने अपनी पूरी शक्ति से उड़ने का प्रयास किया और ये क्या हुआ? वह जाल को लेकर ही उड़ने लगे। शिकारी दूर से देखता ही रह गया। थोड़ी ही दूरी पर एक खेत में कबूतर राजा का मित्र चूहा रहता था। सब कबूतर नीचे उतर आए और कबूतर के राजा ने चूहे को विनती की और चूहे ने उनका जाल काट दिया। कबूतरों के राजा ने चूहे का धन्यवाद किया। सो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिली? बच्चों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है, यानी एकता में इतनी शक्ति होती है कि अगर मिलकर साथ काम करने से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप ये कहानी को ज़रूर वापस दोहराना। धन्यवाद।